हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धार्मिकास वर्ल्ड। सो आज मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई। सो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। यहाँ हाफ लीटर अमूल का दूध लिया है। अब मैं इसे एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। आप अमूल का ही मिल्क लेना। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैंने हाई फ्लेम में रखा है। अब हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है। और मैं यहाँ 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून वाटर ऐड कर रही हूँ। तो एक उबाल आ गया है। अब हमें गैस बंद कर देना है। अब 5 मिनट तक ऐसे ही इसको स्टर करते रहना है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर हम विनेगर ऐड करेंगे। तो 5 मिनट्स हो गए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर ऐड करेंगे और इसे स्टर करते जाएंगे। सो मैं इसमें 1 टेबल स्पून थोड़ा सा और विनेगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये अब तक पूरा फटा नहीं है। और 1 टेबल स्पून वाटर। अब ये दूध फट गया है, ये देखिए। सो मैंने यहाँ एक कढ़ाई में एक छन्नी रखा है। अब मैं उसमें एक मलमल का कपड़ा रख रही हूँ और फिर ये फटा हुआ दूध इसमें डाल के इसे छान लेना है हमें। सो अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी ताकि इस विनेगर का टेस्ट इसमें से चला जाए। सो अब हमें इसको ऐसे प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है। सो अब मैं इसका एक्स्ट्रा पानी और निकालने के लिए एक वजनदार चीज रखूंगी। आप कोई भी चीज रख सकते हो। और इसे हमें अब हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही रखना है। इसे हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज्यादा 45 मिनट्स तक रखा था। सो अब हम इसको एक थाली में निकाल देंगे। सो अब हमें इसे नीड करना है थोड़ा सा और ऐसे प्रेस प्रेस करके इसे नीड करना है तब जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसको हमें ऐसे 10-15 मिनट्स तक करना है। सो इसे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। एंड आप इसे जितना ऐसे प्रेस करके नीड करोगे उतना आपका रसगुल्ला सॉफ्ट होगा। सो 5 मिनट्स हो गए इसे नीड करते हुए और ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने आया है। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये हो गया? तो इसके एक बॉल बना के देखना है। अगर वो परफेक्टली बॉल बन जाएगा तो फिर समझिए हो गया आपका। परफेक्टली हो गया है। अब हम सब डो का बॉल बना देंगे ऐसे ही। सो बॉल्स आप आपके साइज के हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ स्मॉल स्मॉल बना रही हूँ। और बॉल्स बनाने के टाइम इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए वरना आपके रसगुल्ले फट भी सकते हैं। पूरा बना लिया है रसगुल्ला। मैंने थोड़े से गोल और थोड़े से चपटे बनाए हैं। आप अपने हिसाब के भी बना सकते हो। और मैंने टोटल 24 रसगुल्ला बनाया है। सो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप शुगर लिया है। अब मैं इसमें 3 कप्स वाटर ऐड करूँगी।
सो मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। सो हमें इसे एक उबल आने तक पकाना है और एक उबल आने के बाद हम इसमें रसगुल्ला ऐड करेंगे। उबल आ गया है, अब हम इसमें रसगुल्ला ऐड करेंगे। इसमें एक एक करके आपको ऐड करना है। गैस का फ्लेम को हाई ही रखना। सो मैंने रसगुल्ला ऐड कर दिया, अभी हमें इसे 10 to 15 minutes पकाना है कवर करके। सो 15 minutes हो गए और इसका साइज भी बड़ा हो गया है और इसे अब अलट पलट करना है, नीचे के साइड को ऊपर साइड लाना है और फिर से 2-3 minutes और पकाएंगे, फिर रसगुल्ला रेडी। सो अब हम इसे फिर से कवर करके 2-3 मिनट पकाएंगे। सो 2 to 3 minutes हो गए, अब हम इसे कवर निकालेंगे और हमारा रसगुल्ला रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं इसमें 1/2 cup वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ना पके और शुगर सिरप ठंडा हो जाए। हम रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए उसमें 1/2 liter दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अमूल का ही मिल्क यूज किया है। सो मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। सो मैं अब इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 pinch इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सो अब मैं इसमें दूध का मसाला ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, इसके बदले आप केसर का कलर आता है वो भी ऐड कर सकते हो और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 teaspoon ऐड किया है दूध का मसाला। सो अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। सो हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है और हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है। सो एक उबाल आ गया है, अब मैं इसमें 1/2 cup शुगर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। अगर मेरे को शुगर कम लगा तो मैं बाद में वापस से शुगर थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब हमें गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देना है और मैंने इसमें थोड़ा सा येलो जेल कलर ऐड किया था, आप इसके बदले पाउडर वाला भी ऐड कर सकते हो कलर। सो अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। हमें इसे पानी टाइप ही रखना है ताकि रसगुल्ला इसे सोक कर ले। अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो रसगुल्ला में इसका रबड़ी सोक नहीं होगा। सो अब हम इसे और 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर हमारी रबड़ी रेडी हो जाएगी। सो 2-3 मिनट हो गए और हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसका गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। सो रसगुल्ला ठंडा हो गया, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे मलाई में। सो इसका शुगर सिरप को थोड़ा प्रेस करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। सो मैंने रसगुल्ला सब ऐड कर दिया और मैंने अभी गैस ऑन किया है, अभी इसे हम एक उबाल आने तक थोड़ा सा पकाएंगे और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। सो अब हम इसे कवर करके 2-3 मिनट पकाएंगे। सो 2-3 मिनट हो गए हैं, अब ये रसमलाई रेडी हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब हमें इसे ठंडा कर देना है। सो मैं इसे एक कड़े में ट्रांसफ़र करूंगी। सो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, अब हमें इसे 1/2 hour रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देना है। सो 1/2 hour हो गया है और ये रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया है। अब हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है 4 to 5 hours। सो हमारी रसमलाई रेडी हो गई है, ये देखिए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब मैं आपको ये
ये रसमलाई टेस्ट करके बताते हैं। और इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी लग रहा है, इट्स वेरी यम्मी, यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये रेसिपी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय दिस रसमलाई। बाय।